आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ जनपद के तरवा थाना क्षेत्र के मुंडेरी गांव के पास सायं करीब 7:15 पर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दो अन्य बदमाश रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि तरवा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि लूट की योजना को अंजाम देने के लिए थाना क्षेत्र के पकड़ी की तरफ से कुछ बदमाश मोटरसाइकिल से मुंडेरी की तरफ आ रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चेकिंग शुरू कर दी। पकड़ी की तरफ से आ रहे संदिग्ध मोटरसाइकिल को जब रुकने का इशारा किया गया तो वह भागने लगे। इस दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। एक बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया गया। पुलिस की कार्रवाई में बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई। उसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार बदमाश की पहचान चंद्रा प्रसाद के रूप में की गई। इसके ऊपर 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। एसपी सिटी ने बताया कि भागे हुए दो अन्य बदमाशों को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। आज लगभग शाम 7:30 ग्राम मुंडेरी थाना तरवा में पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें चंद्रमा प्रसाद नामक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है। वह इसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं। चंद्रमा प्रसाद एक अंतर राज्य अपराधी है व इसके ऊपर 20 से अधिक मुकदमे हैं। पुलिस को यह सूचना लगी थी कि यह अपराधी अपने दो साथियों के साथ क्षेत्र में लूट की योजना बना रहा है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी करी गई व पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। इसके दो साथियों की गिरफ्तारी भी शीघ्र करी जाएगी व इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई व प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।